फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यांगी ज्वेलरी एंड वेलकम बैक टू माय किचन। सुबह के बज रहे हैं 9:30 या 10, कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। अच्छा, और मैं सुबह से ही आज किचन में लगी हुई हूँ। मैंने सैंडविच भी बना दिए ब्रेकफास्ट में, लोगों ने खा लिए हैं, अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और ये बन गए हैं मेरे शानदार दही के आलू। बस अब जल्दी से आटा लगा के मैं रोटी सेक के रख दूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज थोड़ा ब्रेक ले लूँ, सिर्फ किचन का काम करूँ, एक्स्ट्रा काम नहीं करूँ, क्योंकि मेरे लेग्स और हैंड्स में इतना पेन हो रहा है, सफाइयाँ कर करके घर की बैंड बजी हुई है। तो आज मैं और एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, बस यही करके फिर मिलती हूँ आपसे। सेल्फी स्टिक मिल गई है और ये रही मैं टुक्कू को तो दिखाओ। और ये रही मेरी टुक्कू। बज रहे हैं दोपहर के 1। टुक्कू ने अपनी क्लास पता नहीं करी है, थोड़ी बहुत करी होगी। और हमारे घर में थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा काम भी चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। घर में थोड़ा बहुत अभी फिनिशिंग का काम रह गया है, वो चल रहा है। और तो डुगू को नहाना है, नहाने जा रही हैं डुगू। किसी ने मुझे अपनी कमरे में बंद कर दिया। किसी ने नहीं करा, उनको पता नहीं होगा अब रूम में हूँ। तो हम लोग सोच रहे हैं ये वाली जो विंडो है, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये वाली जो स्पेस है, यहाँ पे हम सोच रहे हैं जाल लगवा दें फॉर द सेफ्टी रीजंस, क्योंकि जस्ट जो ये विंडो है इसमें सिर्फ ग्लास ही है, इसमें कुछ रेलिंग वगैरह नहीं है। तो यही सोच रहे हैं कि इसमें जाल वगैरह लगवा देते हैं। मेरी किचन में भी कुछ काम चल रहा है एक्स्ट्रा। और चलो फिर फटाफट नहाओ, मैं ज़रा इनका कुछ सामान रख दूँ वॉशरूम में और मैं आपको डुगू का वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये है डुगू का वॉशरूम। ये है मेरी डुगू का वॉशरूम। मम्मा सेल्फी स्टिक को आगे कर लो, दिखेगा। दिख रहा है। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ऊपर लगा है रेन शावर, मैडम अपने रेन शावर से नहाती हैं। और यहाँ पे पानी का नल है, और जब मैं इस बटन को प्रेस करती हूँ और जब इसको खोलती हूँ तब शावर निकलता है, पर दूर रहना पड़ता है। तो चलो अब नहा लो बेटा। लोगों ने अपने बाथरूम में कुछ ज्यादा बड़ा रेंज आवर लगा रखा है, इस टाइप से ही हम लोगों ने वॉश। चलो चलो। तो घर में यहाँ बहुत डेंजरसली सामान फिर से फैल गया है, समझ ही नहीं आता कितना सामान कहाँ से उठाएं और कहाँ रखते हैं, बार बार यही होता रहता है। तो ये कुछ हमारा मतलब काम का भी नहीं है और काम का भी है, समझ नहीं आ रहा है क्या बिजली का सामान है। ये कुछ अरेंज करके रख रहे हैं। तो हमारे घर में थोड़ा सा काम और रह गया है, किचन में कुछ फिनिशिंग्स रह गई हैं वो हो रही हैं, इन्वर्टर का पॉइंट बनाना है वो हो रहा है। और ये मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ हम सेटअप कर दिया है मंदिर के लिए, मंदिर लाके रखना है। और यहाँ फिर पत्थर का मंदिर रखेंगे हम लाके वाइट कलर का। और यहाँ जुगू कर रही हैं अपना लंच, देख रही हैं टीवी। यहाँ मैंने अभी टेम्प्ररी शू रैक रखा है, एक्चुअली जिस पर डुगू बैठी हैं वो, अब वो सारा सेटअप मुझे हटाना है, वो सिर्फ टेम्प्ररी है। और यहाँ पर जो आप पत्थर का शेल्फ देख रहे हैं इसमें आएगा मेरा इन्वर्टर। ये सब सेटिंग्स कर रहे हैं आज मॉर्निंग से हम दोनों। तो मैंने अपनी किचन में आज ये वाला काम करवाया है, एक्चुअली ये काम पहले होना था पर पता नहीं क्या हुआ, ये जो सिंक के बगल का जो एरिया है इधर टाइल्स नहीं थे, तो उधर मैंने टाइल्स लगवाए हैं ताकि गंदगी कम हो। और बस यही सब चल रहा है काम।
3:15 बज चुके हैं और गेट क्यों खुला हुआ है? बंद कर लो ना, गेट बंद कर लो, ये वाला मेन गेट खुला हुआ, लपट आ रही है, बंद करो। और मैं जा रही हूँ अपने वॉशिंग एरिया में। मैंने बहुत देर से मशीन में कपड़े धो रही हूँ, धोए जा रही हूँ लाइन लगा के। तो मैं ज़रा अपने कपड़े ड्राई होने के लिए धूप में सुखा दूँ। निकाल देती हूँ। इस वाली विंडो के लिए भी हम लोगों ने जाल सोच रहे लगवा दें, सेफ रहेगा। और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे गमले भी आने हैं, पॉट्स भी आने हैं, मुझे बहुत सारे प्लांट्स लाने हैं। और आप सबको तो पता है मुझे प्लांटिंग का इतना शौक है। मैं बस सोच रही हूँ कि कब ये सारी चीज़ें फिनिश हों और कब मैं जाके अपने बहुत सारे प्लांट्स लाऊँ, उनकी टेक केयर करूँ। तो मैं आपको एक एरिया दिखाती हूँ। तो जो पूरा ये वाला एल शेप का जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये मेरा प्लांट्स के लिए है। और ऐसे ही सेम एरिया डुगू की बालकनी में भी है, तो वहाँ पे भी हम लोग डुगू जो बोलेंगी डुगू के वही वाले प्लांट्स लगने हैं। यहाँ मेरे लगने हैं और कॉरिडोर में भी मेरे लगने हैं। बस बहुत मज़ा आ रहा है नए नए फ्लैट में। सेटिंग करने में तो खैर टाइम लगता ही है। और हमारे जो फ्लैट्स में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, मुझे जो अपने फ्लैट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। मतलब किचन में जाओगे तो कुछ दिख रहा है, हवा आ रही है। अगर आप ड्राइंग एरिया में हैं, डाइनिंग एरिया में जहाँ मैं खड़ी हुई आई, डाइनिंग टेबल आएगी छोटी सी, तो यहाँ वेंटिलेशन बहुत अच्छा ही। देखो मैं कहाँ बात कर रही हूँ। मैं ऐसे बात कर रही हूँ। यहाँ बहुत अच्छा है। डुगू के रूम में बालकनी पहले नहीं थी, हम लोगों ने बनवाई है, तो वहाँ भी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, टच वुड। तो यहाँ पे हवा पानी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है सब कुछ, हम तीन लोगों के लिए मोर देन इनफ है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि एक आध घंटे हम लोग सब लोग कर लेते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपसे या तो शाम की चाय पर या फिर टेरेस पर। क्या बना रही हो? तुम बताओ तुमने क्या ऑर्डर दिया था? ब्रेड पिज्जा की सूजी, ब्रेड पिज्जा, जुगाड़ू ब्रेड पिज्जा सूजी वाला। मम्मी ने चीले को ब्रेड से, मतलब पहले बैटर जो था चीले का, वो मम्मी ने उस पे लगा दिया ब्रेड पे। तो मम्मी ने बोला सूजी क्या बना रही हो? अब चीले बन रहे हैं। ये किसका बन रहा है? ये तुम्हारा। नहीं मेरा हो गया। डुगू क्या चाहिए, ब्रेड पिज्जा के चीला? और ये हमारी चाय रेडी है। आज पूरा दिन काम में ही निकल गया। और टेस्टिंग हो रही है जुगाड़ू पिज्जा की। ब्रेड पिज्जा टेस्ट करने जा रहे हैं। जुगाड़ू पिज्जा की टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग। सूजी पिज्जा बहुत टेस्टी बना। तो डुगू और डुगू के पापा दोनों लोग गए हैं अपने पुराने वाले फ्लैट पे कुछ सामान लेने। अभी भी रह गया है
और मुझे दे गए हैं बहुत सारा काम। मुझे लग रहा है मेरे नए फ्लैट में मेरी ज़िंदगी बस काम करते करते बीत जाएगी। शाम के 5:30 या 6 बज रहे हैं और ये मेरा झाड़ू पोछा बिल्कुल रेडी है। इसके आगे मैं और ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं कर रही हूँ। प्लीज़ इफ़ यू गाइज रियली लाइक माई ब्लॉग माई वीडियोज गिव मी अ थम्स अप एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ दिव्यार्वी ज्वेलरी। बहुत काम है यार, बहुत काम है। मैं कैसे करूँ इतना काम, इतना काम, पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूँ। बाय बाय।